अगली खबर की ओर रुक कर लेते हैं। इस वक्त की अगली खबर राजधानी भोपाल से। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने अब रेड अलर्ट जारी किया है। सीजन में पहली बार रेड अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। भोपाल में देर रात हुई गरज चमक के साथ तेज बारिश लगातार हम देख रहे हैं। राजधानी भोपाल की भी अगर बात की जाए तो लगातार तेज बारिश का यहां पर दौर देखने को मिल रहा है। कल भी देर रात बारिश हुई, गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई है और अब मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी रहने वाला है। मौसम विभाग ने अब रेड अलर्ट जारी किया। खास बात यह कि सीजन में पहली बार मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विवेक जी लगातार बने हुए हैं। विवेक जी, मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है लेकिन अभी भी आगे भी रहेगा। खास बात यह कि पहली बार रेड अलर्ट जारी किया गया। अभी तक येलो और ऑरेंज अलर्ट ही जारी किया गया था लेकिन अब पहली बार सीजन में रेड अलर्ट भी जारी किया है, यानी कि अभी बारिश जो है मध्य प्रदेश में कहर बरपाएगी, एक तरीके से कह सकते हैं। बिल्कुल, मानसून महीने की यदि बात की जाए तो मानसून महीने में मौसम विभाग द्वारा ऑरेंज और येलो जो अलर्ट है वो लगातार जारी किया जा रहा है। और लगातार मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में बारिश का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है, मगर ऐसा पहली बार हुआ है जब मौसम विभाग ने जो रेड अलर्ट है वो जारी किया है। क्योंकि रेड अलर्ट की बात की जाए तो अति भारी से भारी जो बारिश हो रही है उससे भी अति भारी जो बारिश है उसका जो अलर्ट है वो मौसम विभाग ने जारी किया है। खासतौर पर मौसम विभाग रेड अलर्ट नर्मदापुरम संभाग के जिलों में छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, खंडवा में अति भारी बारिश की जो संभावना है वो जताई है। उसी प्रकार राजधानी भोपाल की यदि बात की जाए तो देर रात राजधानी भोपाल में गरज चमक के साथ बहुत तेज बारिश हुई, जिसके कारण मध्य प्रदेश के और राजधानी भोपाल सहित तमाम जो डैम है उनमें जो वाटर लेवल है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ गया है। क्योंकि बात की जाए करीब 4 से 5 दिन की, तो बीते 4 से 5 दिन में मध्य प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर मूसलाधार बारिश हो रही है और मूसलाधार बारिश होने के कारण जो डैम है उनका जो वाटर लेवल है वो कहीं ना कहीं बढ़ गया है। और बात की जाए बाकी जिलों की, जिस प्रकार से बैतूल से लगातार खबर आ रही कि बैतूल में जो यातायात के जो साधन है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं। लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है जिसके कारण भोपाल और बैतूल का जो संपर्क है, जो हाईवे है, उसमें कहीं ना कहीं जो बीच में एक गांव पड़ता है वहां पर जो पुल है उसमें पानी आ गया, जिससे भोपाल और बैतूल का जो संपर्क है वो कहीं ना कहीं टूट गया है। और बात की जाए मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि 3 से 4 दिन तक मध्य प्रदेश के अलग जिलों में मूसलाधार जो बारिश है वो देखने को मिलेगी। मगर जिस प्रकार से रेड अलर्ट जारी किया गया है उससे साफ हो गया है कि मध्य प्रदेश के खासतौर पर नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा और बुरहानपुर, खंडवा ये ऐसे जिले हैं जहां पर अति भारी बारिश की जो संभावना है वो देखने को मिलेगी। क्योंकि देखने वाली बात है कि जब से मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है तो अनुमान पूरी तरह सटीक बैठ रहा है। जी जी, शुक्रिया विवेक जी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल, मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया सीजन में पहली बार, और लगातार जो है जो बारिश का दौर हमें देखने को मिल रहा है वो अभी भी लगातार बारिश का यहाँ पर तेज दौर देखने को मिलेगा। ऐसे में सावधानी और सतर्कता भी रखने की जरूरत है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए अनादि टीवी।